कृषि विधेयक कानून को लेकर किसान सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है और उनकी एक ही मांग है कि कृषि विधेयक काले कानूनों को सरकार वापस ले। वहीं कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर रामपुर में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने किसानों की पाठशाला लगाई और कृषि विधेयक कानून के बारे में बताया। साथ ही डीएम ने किसानों की समस्याओं का समाधान के बारे में आश्वासन दिया। मैं तो डीएम साहब के स्तर का कुछ है ही नहीं, बस उनका एक ही है कि ना आंदोलन में ना लोग कम से कम शामिल हों और जिले स्तर की समस्या ही नहीं है। जब एमएसपी पे किसान बात कर रहा है, एमएसपी पे कानून बना दिया जाए तो उसमें मैं समझता हूँ सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज एमएसपी है, उसके बावजूद 1150-1950 रुपये को धान किसानों का बिका है। जिस दिन एमएसपी समाप्त हो जाएगी और प्राइवेट हाथों में ये सब कुछ पहुँच जाएगा तो वो तो मनमानी करेंगे। ये अधिकारी कहेंगे कि साहब लाइए, लिखित में लाइए, तो लिखित में कहाँ से मिले, कहाँ से ला के देंगे? साहब हम नहीं मानते, हम कहते हैं साहब मोदी जी ने कहा था, उन्हें मोदी जी का लिखवा ला दीजिए। हम कहते हैं साहब डीएम साहब ने कहा था, उन्हें डीएम साहब का ला दीजिए। पिछले डीएम ने क्या किया मैं नहीं जानता, ये भी कह देते हैं ना कि पिछले डीएम ने क्या करा वारसी साहब मैं नहीं जानता हूँ, मेरा विवेक और कानून के दायरे में काम करूँगा। तो कहने का मकसद हम यही तो मांग कर रहे हैं कि आप इस पर कानून बना दीजिए और कुछ नहीं चाह रहे। आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उसने कहा मैं 200 रुपये में दूंगा और आपने कहा 200 निकाल के दिए हों? आपने हर बार उससे ही कहा होगा साहब कम कर दो, कम कर दो। वही हमें बीज देगा, वही हमारी फसल को बुवाएगा, वही कंपनी और वही खरीदेगी और वही रेट तय करेगी। तो क्या वो अपनी मर्जी का रेट तय करेगी, हमारी मर्जी का रेट तय करेगी? वो अपनी मर्जी का रेट तय करेंगे। और हम कमज़ोर इसलिए हैं कि लालच से कर्ज लेकर, बैंक से कर्ज लेकर फसल बोते हैं और जल्दी से काट के उसका पैसा हमें वापस करना होता है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि हमने हर ग्राम पंचायत में किसान पंचायत का आयोजन किया है और किसानों की समस्याओं को सुना है, साथ ही नए कृषि कानून के खिलाफ भी किसानों को जानकारी दी है। देखिए किसानों के अभी आज आपको पता होगा कि हमने हर जगह हर ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पंचायत का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे विरासत से रिलेटेड, चाहे बिजली से रिलेटेड, चाहे राजस्व से रिलेटेड, हर एक तरीके की समस्या उसको हम सुने, उसको दर्ज करें, उसका तत्काल समाधान करें और जो तत्काल समाधान होने लायक नहीं है उसको हम अगले एक हफ्ते के अंदर उसका समाधान कर दें। तो आज उसी संदर्भ में यहाँ पे भी बैठकें हुई थी कि एक्चुअल में किसानों के प्रॉब्लम क्या है और सारे सवाल उनके द्वारा उठाए गए, उनके हम सबने जवाब दिए है। समस्या जो समस्या उनके द्वारा उठाई गई उन पर तत्काल हम काम करना शुरू करें। तो कृषि कानून पे भी बात करी गई? हाँ, कृषि कानूनों पे भी बात की और हमने उनको सारी चीज़ों को क्लेरिफाई किया कि जो सच है जो वो खुद देखें, खुद जानें, उसको खुद कंपेयर करें कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो कितना इससे बढ़ रही है, कितना घट रही है, और ज़्यादातर लोग इस बात से कन्विंस भी हुए। बहरहाल डीएम साहब ने किसानों की पाठशाला तो लगाई, लेकिन डीएम साहब इस पाठशाला में किसानों को कृषि विधेयक कानून को सही साबित करने में नाकाम रहे और किसान काले कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।